लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंत की ओर है और 4 जून को परिणाम के साथ पता चल जाएगा कि किस किस ने कहां कहां अपना परचम लहराया है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। सातवें चरण में यूपी के कुल 13 सीटों पर वोट डाले गए जो कि पूर्वांचल की सीटें थी। इन्हीं सीटों में से एक सीट थी पीएम मोदी की सीट यानी कि वाराणसी की सीट। इसके अलावा 13 सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से लेकर बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया और गाजीपुर सीट है। चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज भी पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। सातवें चरण में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की थी तो वो बलिया सीट की थी। बीजेपी अंतिम समय में अपने पत्ते खोल रही थी। इसी कड़ी में भूमिहार नेता नारद राय को सपा से बीजेपी ज्वाइन कराया गया। इस सीट पर ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई हो रही थी। सूत्रों की माने तो कई बीजेपी ब्राह्मण नेताओं ने भी इस चुनाव में खुद को न्यूट्रल कर लिया था और ऐसा भी देखा गया कि कई जिलों में कई भाजपा के ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी के पक्ष में वैसी मेहनत नहीं की जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने जाते हैं। इस सीट से भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में पार्टी की जिला कमेटी दो कुट में नजर आई। इसके पीछे एक कारण ये रहा कि जिला के दो भूमिहार ब्राह्मण नेताओं ने टिकट की दावेदारी की थी लेकिन सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से खींचातानी को लेकर उनका टिकट काट कर नीरज शेखर को लेकर दिया गया। लेकिन जिस समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने ये दाव खेला था वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। जीआर न्यूज नेशन के सर्वे में इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर दिख रही है। इस सीट के मतदाता फिलहाल खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में यहाँ साइलेंट वोटर बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बलिया का ताज किसके सिर सजेगा ये तो 4 जून को क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ का चुनाव अंतिम दौर में खूब चर्चा में रहा। हालांकि बलिया के बारे में आपको एक चीज बताते चले कि बलिया शुरू से ही अपने बागी तेवर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग किसी के बनाए हुए लकीर पर चलने के आदि नहीं है। राजनीति में भी ये बात हमने कई बार लागू होते हुए देखी है। बलिया शुरू से ही सत्ता के अंगेंस्ट वोट करने के लिए जानी जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।